स्वागत है आपका द मेडिकल स्टोर में। तो आज आपके लिए लाए हैं स्किन ब्राइट क्रीम। बहुत लोग इसे लगाने के बारे में सोचते हैं कि इसे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो किन लोगों को लगाना चाहिए, लगाना सही है या नहीं है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, सारी चीज़ें मैं आपके बारे में बताऊँगा इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग। तो इसकी प्राइसिंग है 148 रुपीज़, ये अभी का करंट प्राइस है। और किन स्किन के लिए है, क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले इसका मैं ग्राम आपको बता देता हूँ, 15 ग्राम की क्रीम है ये। और क्रीम कुछ अंदर किस तरीके की है, और ध्यान रखिए कभी भी अगर आपको मेडिकल से लेना है तो ऐसा सीलेट होना चाहिए। दिख रहा है आपको क्लियर? सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किन स्किन के लिए है। तो देखिए ये सब क्रीम जो है ये ऑयल्स टाइप स्किन की स्किन के लिए नहीं है, ये सारे स्किन पर सूटेबल नहीं होती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने ले लिया तो आपके स्किन पर 100% सूट होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन पे सूट करती है बहुत अच्छे से करती है, जिन पे नहीं करती है वो बहुत डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भी दे सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो तो इसको लगाने का पूरा तरीका आप समझ लीजिए, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्यों लगाना है, लगाना भी है कि नहीं लगाना है, सब कुछ आप समझ लीजिए। तो ये कैसा है ये क्रीम जो है ये सबसे पहले तो आप इस क्रीम के लिए आप गोरे, मतलब ये फेस गोरा करती है लेकिन कैसा है इसको परमानेंटली आप गोरा नहीं बोल सकते। और इसके लगाने के इफ़ेक्ट मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर सूट हुई तो किन किन लोगों के लिए, मतलब जैसे कि पिंपल्स वगैरह होते हैं चेहरे पे, जो दाग वगैरह धब्बे झाई वगैरह जो होते हैं ना साइड साइड में स्कैस आ जाते हैं, ऐसा जो स्किन मुरझा जाती है वैसे टाइप का, और जो पिंपल्स वगैरह आते हैं, पिंपल्स हटाता नहीं है ये, ध्यान रखिए पिंपल्स हटाता नहीं है, पिंपल्स के दाग को हटाता है। तो पिंपल पे इसे मत लगा लेना, पिंपल्स के दागों पर लगाना है। पिंपल्स पे अगर आप इसे लगाएंगे तो हो सकता है पिंपल्स और डार्क हो जाए उसके वजह से, क्योंकि पिंपल्स में कैसे ना ब्लड वगैरह और बहुत कुछ रहता है, तो ये उस पर साइड इफेक्ट कर सकता है। तो पिंपल्स पे आपको इसे नहीं लगाना है, पिंपल्स के दाग पे लगाना है। और अगर आपके स्किन पे सूट करता है तो पूरे फुल फेस पे लगाना है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, स्किन को ये पॉसिबल है कि पूरा गोरा करता है, स्किन के आपको ब्राइट कर देता है ये सूटेबल स्किन पर, और जो आपके दाग वगैरह होते हैं उसको भी आप ये क्लियर कर देता है एकदम। और जो हमारे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आते हैं ये उसको भी लगभग, मतलब पॉसिबल है कि बहुत हद तक का उसको क्लीन कर देता है। ध्यान रखिए इस क्रीम को सिर्फ आपको रात में ही इस्तेमाल करना है, दिन में आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है, एनी कंडीशन आपको इस्तेमाल करना ही करना नहीं, क्योंकि गलती से भी आप अगर इसे लगाकर धूप में चले गए तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम जैसे कि स्किन रेड हो जाना, और फिर दो चार दिन लग जाएंगे शायद या और ज़्यादा लग जाएंगे स्किन का रेडनेस हटने में, बहुत बुरा दिखता है वो। तो आपको इस दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और रात में जो लगाने का मैंने आपको तरीका बताया उसी रात में अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आपको पिंपल्स वगैरह है तो पिंपल पे आप लगाइए, फुल फेस पे लगाना है तो फुल फेस पे लगाइए। लेकिन उसके पहले इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी आप एक बार जान लीजिए। ये स्किन जो होती है हमारी उसे ये पतला कर देता है, सेंसिटिव एकदम पतला कर देगा, और उसके बाद में आपका स्किन है ना थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा। अगर आपका स्किन ऑयली है तो और ज़्यादा ऑयली हो सकता है, और आपका स्किन ड्राई है तो ऑयली हो जाएगा। ये ऑयली मींस कैसा है, नॉर्मल लोगों को 2 घंटे में ऑयली होता है, आपका 1 घंटे में ऑयली हो जाएगा ऐसा है। और ऑयली होने की वजह से एक नुकसान भी होता है कि जैसे हम बाहर रहते हैं बहुत बार तो धूल मिट्टी प्रदूषण जो रहता है वो हमारे चेहरे पर चिपक जाता है, ऑयल तो ऑलरेडी चेहरे पर होता है तो वो चिपक जाता है, चिपकने की वजह से पिंपल्स वही सब प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो जिनका फेस ऑयली है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए, मत लगाइए, क्योंकि ऑयली ऑलरेडी आपका फेस है, इसे लगाएंगे तो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स हो ना हो लेकिन अब होने लग जाएंगे। सेकंड इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, अगर आप इसे फर्स्ट सेकेंड डे में अगर आप लगा रहे हैं, और अगर लगाने से मतलब पूरे फेस पे तो इसे लगाना नहीं है फर्स्ट टाइम पे, आप एक एरिया ले लीजिए पर्टिकुलर, गर्दन का कोई एरिया ले लीजिए, ऐसे स्किन के आसपास का एरिया ले लीजिए इतना बड़ा, और उस पर आप इस क्रीम को हल्के हाथों से आप लगा लीजिए रात में, और सुबह में उठ के आप देखिए कि वो स्किन प्रॉपर है, नॉर्मल है, कोई इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगाना है तो सेकेंड डे में आप फिर उतने ही पार्टीशन पे लगाइए, थर्ड डे में आप उतने पार्टीशन लगाइए। अगर 3 दिन तक का अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसमें, धोकर लगाना है, और मॉर्निंग में मतलब कम से कम ये फेस पर 8 घंटे तक का अप्लाई करना है, कम से कम 8 घंटे तक का रहना चाहिए। अगर आप रात में 12 बजे लगाते तो सुबह 8 बजे तक का इसको अप्लाई करना है, 2-4 घंटे के लिए आपको नहीं लगाना है। तो आप अगर 3 दिन तक का देखते हैं कि अगर आपके इस पर कोई सा भी अगर प्रॉब्लम नहीं आता है, एकदम स्किन एकदम प्रॉपर है, ठीक है, तब आप चाहे तो अपने फेस पर लगा सकते हैं, और पिंपल्स वगैरह नहीं होने चाहिए फेस पर, ध्यान रखिए क्लीन फेस है अगर तो आप लगा सकते हैं, बस दाग धब्बे हैं वो इससे पॉसिबल है कि पूरी तरीके से चले जाएंगे, और आपका जो स्किन है वो भी काफ़ी हद तक ब्राइट हो जाएगा। मीन्स आपको लोग टोक सकते हैं कि तू कुछ लगा रहे है, ऐसा मतलब
मतलब स्किन ऐसा मतलब दिखने लग जाएगा, पॉसिबल है। तो अगर मतलब अगर सूट हुआ आपको तो ये क्रीम आपको पैसा वसूल कर देगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है। लेकिन अगर आप चाहते कि साइड इफेक्ट ना हो तो पहले आप पैच टेस्ट एक बार कर ले, जैसे हम ब्लीच वगैरह का टेस्ट करते हैं ना कभी कभार यहाँ वहाँ लगा के, तो वैसा ही तो दो चार दिन तक कम से कम कर लीजिए, मिनिमम तीन दिन तो आपको करना ही है कि तीन दिन तक लगा के देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता सब ठीक है तो इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए इसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस क्रीम को कम से कम अगर आपको मतलब अगर सूट होती है तो, जिनको सूट नहीं होती है अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इमीजिएटली इस क्रीम को उसी वक्त लगाना बंद कर देना है और कुछ भी नहीं लगाना है इस क्रीम को आप जो कीजिए फिर, लेकिन लगाना आपको फेस पे नहीं है। अगर यहाँ पर अगर जहाँ पर भी आप पैच टेस्ट कर रहे हैं अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आता है तो इस क्रीम को आपको नहीं लगाना है। उसके बाद में इस क्रीम को सीधा सीधा कट कर देना है, कुछ दूसरा कुछ अप्लाई कीजिए आप इसको, लेकिन आप नहीं लगा सकते। जिनके ऊपर सूट होता है उनको ये क्रीम दो महीने तक लगाकर रेगुलर दो महीना लगाइए, दो महीने में आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिख जाएगा इसका, काफ़ी रिजल्ट दिख जाएगा। दो महीने के बाद में आपको फिर उसके बाद में इस क्रीम को छोड़ना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि आप रेगुलर किसी भी क्रीम को नहीं लगा सकते। खैर ये सब तो थोड़ी सी केमिकल क्रीम है, किसी भी क्रीम को आपको रेगुलर नहीं लगा सकते। तो इस क्रीम को दो महीने तक लगाने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि डिसकंटिन्यू आपको कंटिन्यू करना है तो आप एक दिन गैप करके लगाइए, एक दिन मतलब हफ्ते में जैसे सात दिन होते हैं तो तीन दिन क्रीम लगाइए, चार दिन कट कर दीजिए, एक दिन गैप करके, एक दिन गैप करके, एक दिन गैप करके, कभी कभार दो दिन गैप करके, कभी कभार तीन दिन गैप करके, मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट आपको नहीं छोड़ना है, वरना धीरे धीरे फेस तुरंत तुरंत डल हो जाएगा। चाहते हैं कि आपका इससे ज़्यादा दिन रहे, लाइफ टाइम तो नहीं हो सकता लेकिन ज़्यादा दिन तक रहे, तो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि दो महीने के बाद में एक दिन गैप करके, एक दिन गैप करके आपको इस्तेमाल करना है। हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन के बाद में आपको दो दिन गैप करके इस्तेमाल करना है, फिर हफ्ता पंद्रह दिन के बाद में तीन दिन गैप करके इस्तेमाल करना है, मतलब धीरे 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 इसे छोड़ना है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम तक का चलेगा। उसके बाद में आपको रेगुलर हमेशा छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपकी स्किन पर अच्छे से अगर इफेक्ट हो चुका है और आप चाहते हैं कि क्रीम आपको अगर सूट कर रही है तो आप वीक में आप दो बार लगा सकते हैं, वीक में आप दो बार लगाइए, जितने दिनों का लगाना है लगाइए, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा आपको और इसका इफेक्ट भी बरकरार रहेगा, मतलब कम नहीं होगा आपके स्किन से। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स आपके इसके वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए तो आप कॉमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, पॉसिबल है कि कोशिश करूँगा मैं कि आपके सवालों के जवाब देने की। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।